नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो आज को मैं जो वीडियो बना रहा हूँ गोल्ड का ऊपर बेस करके, अगले दिन का गोल्ड का जो परफॉर्मेंस था, तो कल को गोल्ड में हम लोग को सॉफ्टवेयर ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है और कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए था, उसी का ऊपर छोटा सा एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। तो अभी आपके सामने गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है। तो सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम क्या होता है सबसे हम लोग जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर का जनरली काम होता है ये मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर करता है एंड ट्रेंड के ऊपर बेस करके ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है जो कहाँ पर हम लोग को बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, टारगेट क्या रखना है, एग्जिट कब करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कॉल को समझना, कॉल को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि कॉल तो बहुत सारा बनता है। इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं मार्केट में कुछ कॉल अचीव होते हैं, मार्केट का बहुत सारा कॉल अचीव नहीं कर पाता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन एक चैलेंजिंग मैटर होता है हम लोग के लिए, जो कौन सा कॉल में मुझे ट्रेड करना चाहिए और किस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आइए चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है ये सिग्नल है। ये सोचिए 23 तारीख को कॉल बना था, आपको दिखाई दे रहा है 2 बजे। तो जब भी कोई कॉल बनता है ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा, स्विच टारगेट स्टॉप लॉस ईच एंड एवरीथिंग। अब मेनली हम लोग को समझना पड़ेगा जो ये कॉल कितना जेन्युइन है हम लोग के लिए, हम लोग को इस पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कॉल बना था 47,712 पे, इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू कोई मैं पकड़ूंगा, तो अब इसमें जो कंडीशन है उसमें से नीचे में एक रिबॉन चलता है। देखिए मेरा कर्सर पॉइंट पे देखिए क्रॉस हेयर को, यहाँ पर एक रिबॉन चलता है जो पहले ग्रीन था, तो इस रिबॉन का कलर को ग्रीन होना चाहिए। बाय का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा, देखिए आपको एक छोटा सा यहाँ पर ग्रीन कलर का स्टार भी दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे में आपको एक लाइन इंडिकेटर दिख रहा है, इसमें मिडिल में आपको एक वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। देखिए जहाँ पर मैं इस सर्कल को मार्किंग किया, इस सर्कल को बनाया, इसका ऊपर जैसे ये लाइन ऊपर जाने लगेगा इसका मतलब है आपका जो स्ट्रेंथ है वो बाइंग में घुस रहा है। तो जब भी कोई बाय का कॉल बनेगा, देखिए मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट को शो कर रहा हूँ जिस कैंडल में बाय का कॉल बना था, पहले स्टार बना, नीचे का रिबॉन ग्रीन था और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ये लाइन न्यूट्रल को तोड़ रहा था। तो नीचे वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप ट्रेड कब करेंगे, ट्रेड तभी करना है जिस कैंडल पे कॉल बना है। देखिए उसका पहले एक ब्लू कलर का कैंडल है तो इसका हाई को तोड़ना पड़ेगा। इसका हाई अगर नहीं तोड़ता है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग इस कैंडल पे 5-6 कैंडल बाद इस कैंडल से आप इस ट्रेड को पकड़ पाएंगे, इसका पहले नहीं। तो देखिए आप यहाँ पर अगर ट्रेड पकड़ते हैं फिर भी आपको एक अच्छा रिजल्ट देखे गया है। एग्जिट करने के लिए नीचे का लाइन को भी फॉलो करना पड़ेगा जो लाइन का बाद में यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए इसका कलर अब 2 तरीका का होता है, एक ग्रीन है एक रेड है। तो चाहे कलर कुछ भी हो, ऑब्वियसली ग्रीन मतलब वहाँ पर बायर स्ट्रांग है और रेड मतलब सेलर्स बढ़ रहे हैं, मगर इसका जो मेन फंक्शन है वो है वाइट लाइन का, वो जब तक ये नहीं तोड़े तब तक आप पोजिशन बना के रख ही सकते। तो अल्टीमेट देखिए ये बाय का कॉल यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिडिल में 2 लाइन है जो आपस में क्रॉसओवर हुआ और इस कैंडल में फिर स्टार दे के आए, और उसी टाइम देखिए नीचे का लाइन भी आपको न्यूट्रल को तोड़ के नीचे आ गया था। तो यहाँ से मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसी वक्त सेल का भी कॉल बना था, लास्ट सेल का कॉल आपको यहाँ पर दिख रहा है 47,901 पे सेल का कॉल बना था। कंडीशन हुई है जो नीचे का रिबॉन को रेड होना चाहिए, पहले रेड स्टार बनना चाहिए और लाइन को न्यूट्रल से नीचे मतलब ये वाइट लाइन से नीचे आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मैच है तो ही जाके इस कॉल को हम लोग स्ट्रांग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। और जहाँ पर आपको ये नीचे वाला लाइन, बेसिकली नीचे वाला लाइन आपको एग्जिट करने के लिए हेल्प करेगा। ये नीचे जो लाइन आप देख रहे हैं चाहे इसका कलर कुछ भी हो, ग्रीन भी होगा, तो इसका मतलब है बायर्स बढ़ रहा है, मगर जब तक ये व्हाइट को नहीं तोड़ता, जैसे इस कैंडल पे व्हाइट को तोड़ के ऊपर गया है, मतलब यहाँ पर आपको पोजिशन को छोड़ना ही पड़ेगा। मगर उसका पहले भी अगर आपको आपको टारगेट दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर आपका तीनों टारगेट ही हिट हो गया था, तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ट्रेंड को फॉलो करना है और सही लॉजिक को फॉलो करने से रिजल्ट भी सही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ भी क्वेरीज या डाउट रहा मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सअप में मैसेज भी कर सकते हैं। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियोज़ देखना है या मुझसे कॉन्टैक्ट करना है या लाइव डेमो कुछ देखना है, तो वीडियो का नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।